कूलर पंप में जो केबल होते हैं, केबल तार की चोरी करने वाले आदतन लोग जो हैं वो पकड़ाए हैं। 11 अपराध में इनकी संलिप्तता जो है वो सामने आई है। पाटन, रानी तराई, जामगांव और अंडा, अमलेश्वर, उतई अलग अलग थाना क्षेत्र में इनके द्वारा केबल की चोरी की गई है और 500 रुपये किलो ये जो है केबल तार को बेचते थे। एक घटना में ये 100 मीटर से लेकर 500 मीटर तक की काट कर चोरी किया करते थे। तो समझ सकते हैं यदि 100 मीटर भी चोरी किया तो 500 किलो के हिसाब से ये लोग किया करते थे। इसमें अभी 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लगातार ये लोग पिछले 2 वर्षों से चोरी कर रहे थे। जहाँ इन्होंने चोरी का सामान बेचा है उनको भी अभियुक्त बनाया गया है। इनसे पूछताछ पर आगे के सामने ये लाइट जा रहा है, लाइट जा रहा है। हमने क्या नाम है तुम्हारा? कसके बोलो। दुखू और सुखदेव। दुखू और सुखदेव दो नाम तुम्हारा ही है। दुखू सहदेव ये कब से चोरी कर रहे हो? लॉकडाउन लगा तुमने चोरी शुरू कर दिया। क्यों भाई लॉकडाउन में चोरी करने की शुरुआत क्यों करी तुमने? जेल में जब गया था साइकिल चोरी में। साइकिल चोरी में भी जेल गए थे? ये साइकिल चोरी कब किए थे? लॉकडाउन पे 109 में किया था। लॉकडाउन में किसकी साइकिल चोरी किए थे? साइकिल खरीदा था उसमें चोरी साइकिल में खरीदा था। चोरी का साइकिल खरीदे थे उस अपराध में जेल गए थे। कौन से जेल में गए थे? कितने दिन रहे थे जेल में? 15 दिन। तो 15 दिन रह के अच्छी चीज सीखते निकलते ये काम शुरू कर दिए। गलती एक बार होती है, दो बार होती है, तुम तो 11 बार चोरी कर चुके हो। अलग अलग थाना क्षेत्र में चोरी किए हो। एक बार चोरी करके कितना रुपए मीटर बेचते थे उसको तार को? 2-3 किलो निकल जाता था। 3 किलो निकलता था एक बार में? एक बार में बेचते थे कबाड़ी को तो कितना पैसा मिलता था? 1200-1300 मिलता। 500 रुपये किलो तो वही 1200-1300 रुपये मिलता था। इस 1200-1300 के लिए तुम पूरा उस पंप को खराब कर देते थे। गलती हो गया था। गलती क्या हो गया? तुम किसान बेचारे पंप लगाते हैं। एक मौका दे दिया सर हमको नाली जब तक आदमी धक्का नहीं खाएगा तो हम समझ नहीं आएगा। एक बार जब साइकिल चोरी कर खरीदे 15 दिन धक्का नहीं लगा तो दिया धक्का था, अब जोर का धक्का लग रहा है। कितना ऐसे बड़ा धक्का चाहिए क्या आपको? नहीं सर, एक बार माफ कर, गलती हो गया था। अरे माफ हमारा काम ही नहीं, माननीय अदालत का काम है भाई। आपकी जो गलतियां हैं कितनी बड़ी गलती है, कितनी सजा होगी वो तो मालूम है सर, मगर एक बार तो माफ कर दिया सर। समझ गया वो बात, बताओ ये किस टाइम चोरी किया करते थे? 8 बजे रात को, दिन को जाते थे घूमने के, दिन में जाके एक ही करते थे जी सर। और रात में काट देते, रात में काट देते थे। दिन और रात दोनों काम करते हो 24 घंटे तो। महीने में कितनी बार कटाई करते थे? 3-4 बार हो गया तो हो गया। महीने में 3-4 बार हो गया तो हो गया, ज़्यादा भी हो सकता है। नहीं हो सकता 3-4 बार। 2 साल से कर रहे हो? काम तो चल नहीं पाता ना। अभी काम तो सफाई से करते हो? नहीं चल पाता। चलते तो कितना? अरे चलते तब तो पूरे केबल वायर खत्म हो जाते हैं दुर्ग जिले में। ग्रामीण एक भी वो पानी निकाल ही नहीं पाते। किसान बहुत परेशान। हाँ किसान बहुत परेशान होगा ना भाई, उसे तो 1200 बेच दिया, वो होगा कम से कम 10,000 की चीज। 10 से 12 हज़ार की चीज़ को 1200 में बेचा है और कोई कम नहीं, 1.5 महीने में 3-4 बार काट रहा है। और पैसे तो करते क्या थे? दारू पीने वाला आदमी। पीने वाले आदमी और क्या करेंगे, मदिरा सेवन करते थे तो खुद तो मदिरा में मद रहते थे। बेचारे किसान का सोचे हो जिसका काट लेते थे, तो जिसका काटते थे कभी मिले जाके उससे? मिले नहीं। काट दे कटाई हो गई, मदिरा मिल गया, मदिरा सेवन किए। कितने लोग मिलके काटते थे? अकेले। बाइक कैसे चलाते थे तुम? लूना चलाते। लूना लूना में घूमते थे तुम?
कौन सा लेना खरीदे हो? एक्सेल देखो सही जानते हैं एक्सेल कितने का लिए थे? 12 सेकंड हैंड सेकंड हैंड कब खरीदे लूना याद नहीं और परिवार है परिवार वालों को बताए थे कि चूड़िया काम करते हो? वो लोग क्या सोचते थे? ड्यूटी करने जा रहा है। ड्यूटी क्या ड्यूटी है? कौन सा काम करते हो? तो मेहनत मजदूरी वाला काम। क्या मेहनत? ठेकेदारी में। ठेकेदारी में काम करते हो? कितना मिलता है दिन का? 250 रुपये दिन का मिलता ही है, तो चूड़ी की क्या आवश्यकता पड़ गई? दारू पीने काम पड़ गया। देखो दारू का कितना नुकसान है, खुद मान रहे हो दारू पीने के कारण तुम्हें चोरी करना पड़ रहा है। डेली कितना दारू पीते हो? एक पौवा डेली पीते हो, वो पेट भी निकल रहा है तुम्हारा, लीवर का भी डाउट है तुम्हारा, लीवर भी खराब हुआ। अभी टेस्ट कराया पेट का? क्या निकला अभी? क्या हॉस्पिटल में कुछ निकला? अभी कुछ नहीं निकला, अभी रिपोर्ट नहीं आया ना, जब रिपोर्ट आएगा तो मालूम चलेगा। तो ये पंप काटने का तुम्हारे दिमाग में कहाँ से है? उन दिन घूमने गया था सर, तो देखा तो वहाँ सामान खुला हुआ था, मैं उसे तब गिरफ्तार नहीं मिला तो मैं इसी को उठा लेता हूँ। के वजह उठा लेता हूँ। और ये बेचना कहाँ है वो कैसे मालूम चला तुम्हें? कबाड़ी वाले पास। किस कबाड़ी को बेचते हो? कबाड़ी भी यहीं पे है यार, तो चोर कबाड़ी का संगम हो गया भाई। क्या नाम है? सर्वेश कसीर, बर्तन दुकान वाला। क्या काम करते? बर्तन की दुकान है। बर्तन की दुकान का काम, बर्तन बेचते बेचते ये केबल बेचने का काम कैसे शुरू कर दिए? बहुत प्रॉफिटेबल है, 1200 का लेते हो और बेचते कितने में हो? 600 में तो इससे बुझिए किलो के हिसाब से। इसको क्या किलो देते थे? 500 और बेचते कितने में थे? 20% का मार्जिन रखते थे। 20% के मार्जिन में जेल भी मार्जिन में जाना पड़ेगा। सर क्या है, तू कुछ लेते हैं वो लेके आता था तो समझ में नहीं आता था। समझ में एक ही आदमी महीने में 4 बार लेके आता है, पिछले 2 साल में कम से कम कितनी बार लेके आया होगा बताओ जरा? कम से कम कितनी बार लाया होगा? 20-25 बार। FIR तो 11 में ही हुआ है, 20-25 बार लाया, और भी ज्यादा लाया होगा। महीने में 4 बार करता है, जब दूसरे जिले में धमतरी मंत्री साहब 24 महीने हो गए, खुद बोल रहा है 4 बार। 24 × 4 कितना होता है? 96। मतलब फतक मार चुका है ये चोरी का, और तुम फतक मार चुके हो उसको खरीदने का। 25 बार तुमने लिया, खुद ही मान रहे हो भाई। तो ये सब गलत काम का अंत देख रहे हो? लालच के कारण है, लालच बहुत बुरी बला है। अच्छा खासा बर्तन बेचते थे, इसके चक्कर में साथ में दुर्ग जेल की सेवाएं लोगे। और जनाब आप? सर मैं धनेश्वर साहू। अरे भाई धनेश्वर साहू जी, आप क्या काम करते हैं? सर मेरा क्या है ना कि मेरे को 3-4 महीने पहले ना मतलब वो टुल्लू पंप को दिया हुआ था मेरे को, केवल इनको बेचता था, टुल्लू पंप आपको बेचता था, स्पेशलाइज काम है आपका टुल्लू पंप का। मतलब ऐसा था, तोड़ के दिया तो ऐसा लगा कि कूलर का मोटर है उस टाइप का। मैं उसको मतलब 1-2 बार इनसे लिया हूँ। 1-2 बार या क्या ज्यादा? नहीं सर 1-2 बार पूछ लीजिए। 1 और 2 में अंतर है ना भाई? हाँ सर 2 बार लगभग ऐसा है। लगभग नहीं होता 2 यार, 1.5 बार थोड़ी कोई लेगा। अब तो बंद हो चुका मेरा दुकान। कोई बात नहीं, आप भी दुकान किस चीज का था आपका? नहीं कबाड़ का था सर, उसको अभी प्रॉपर्टी डील का ऑफिस खुला हुआ है। बच्चे लोग बड़े हो रहे हैं तो इसको बंद किया जाए, आप जितने दिन में किया उतने दिन कर सकता हूँ, इस टाइप का था सर। अच्छा जेल का कुछ एक्सपीरियंस होगा तो प्रॉपर्टी डीलिंग में भी मदद मिलेगी। जी सर, तो मैं बंद कर चुका था, तो ये जब पकड़ाया ना तो नाम ले दिया कहीं कहीं का, तो मैं फंस गया सर। फंस गए? हाँ मतलब 1-2 बार लिया था तो भी मैं अब गया, इस टाइप का हो गया मेरे को। देखो भाई गलत काम का नतीजा क्या होता है? गलत जी, दोनों की जोड़ी हो गई, एक कबाड़ी और एक प्रॉपर्टी डीलर। जी इसके साथ दोनों ही निपट गए। जी जी काम मत किया। बर्तन वाला किसको बेचता? नहीं नहीं ये तो 600 रुपये आगे बेचता है। किसको बेचते थे भाई? बर्तन वाले यानी इसके फ्री वाले में
पूछ रहे हैं तो जवाब देना पड़ेगा ना भाई, किसको बेचते थे? बड़े व्यापारी। कौन है बड़े भाई? नाम बताओ। भाई बताना तो पड़ेगा ही ना, जो जनता की दरबार में हो तो। कौन ले लेता था भाई? नाम तो बताना ही पड़ेगा ना भाई, नहीं तो और लंबा केस हो जाएगा। किसको बेचते थे? कौन है भाई व्यापारी? व्यापारी तो है ही, कौन है? अब चलो भाई मर्जी समझदार है भाई, दुश्मनी क्यों लोगे? सही बात है, आ जाओ भाई। आप क्या काम करते थे? पेंटिंग। फंस कैसे गए इसमें? पैदल पैदल भूल जाता हूँ, 5-6 किलोमीटर पैदल पैदल काम। मोबाइल तो देखता हूँ नहीं, मैं मोबाइल तो देखता हूँ लेकिन चोरी होगी भाई। भाई आप बताओ ये क्या करता था? क्या काम करते इसको तो नहीं मालूम। ये कैसे आ गया यहाँ पे? मेरे गाड़ी में बैठ गया था। जो मोटर होता है शासकीय मोटर होता है, सब्सिडाइज मोटर होता है, जैसे 20,000 का मोटर है किसानों को 10,000 में मिला रहता है, तो फिर इसीलिए किसान भी उसमें बहुत ज्यादा परेशान होते थे उसके, है ना जैसे, तो बहुत ज्यादा उस क्षेत्र में बहुत। आप देख सकते हैं ये लोग जो शासकीय मोटर जो 20,000 का इनको डिस्काउंट में सब्सिडी में किसानों को 10,000 मिलता था, उसको ये लोग चोरी कर लेते थे, वो केबल वायर चोरी कर लेते थे, जिसके कारण किसानों को बहुत प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था। और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जब तक हम एंड को नहीं पकड़ेंगे, जैसे बड़े कबाड़ी हैं, छोटे कबाड़ी को हमने पकड़ा है, छोटे कबाड़ी के थ्रू बड़े कबाड़ियों का पता किया जाएगा जो इस चीज़ को जानते हुए गलाते हैं, और उन सब के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।